श्योरकोट में मुहर्रमुल हराम के आयाम में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए डीपीओ जंग की हिदायत पर इंतजामिया और पुलिस की जानिब फ्लैग मार्च किया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर ताहिर वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी गुलाम शबीर ताहिर, बताएगा कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ श्योरकोट में। नाज़रीन बताता चलूँ कि आज श्योरकोट पुलिस और बाकी इंतजामिया ने मुहर्रम हराम के सिलसिले में फ्लैग मार्च किया है ताकि मुहर्रम के आयाम में अमन अमान को बरकरार रखा जा सके। मेरे साथ डीसीपी साहब भी मौजूद हैं और एसी साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे आगे इस फ्लैग मार्च का क्या मकसद है। सर, क्या बताएंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, जैसा कि आपने बताइए, मैं बताया कि हमारी ये जिम्मेदारी है अमन अमान कायम रखना, बाकी इंतजाम करना, तो हम सब लोग मिलकर एक इसका जायजा ले रहे हैं और तमाम शहरियों को भी एक किस्म की निशानदेही है और सबको पता भी चल जाए कि मुहर्रम अल हराम का मुकद्दस महीना जो है आजकल में शुरू हो रहा है। तो इंशाल्लाह हमारे रूट्स भी बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और बाकी भी हमने सारी मीटिंग्स कर ली हैं, सारे इंतजाम कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह जो मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम के जो दिन हैं आशूरा के, ये बहुत अच्छे से गुजरेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, डीसीपी अनवर खान साहब भी मौजूद हैं। सर, आप क्या बताएंगे सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहर्रम अल हराम के हवाले से हमारी सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल हैं, फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं। इसी सिलसिले में एक कड़ी है कि फ्लैग मार्च कर रहे हैं। फ्लैग मार्च में अमन अमान के लिए और आवाम को और मुहर्रम के जुलूस के रूट वगैरह चेक कर रहे हैं, जहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम है, जहाँ पे कमी बेशी है, वो भी दुरुस्त कर रहे हैं इस सिलसिले में, ताकि मुहर्रम में हम अमन अमान कायम रख सकें। इसी मीडिया के हवाले से मैं भी इसी वसत से कहना चाहूँगा, अगर मुहर्रम अल हराम के हवाले से किसी भाई को कोई इतराज़, कोई ऐसी बात हो, हमारे साथ तावन करें ताकि मुहर्रम का आशूरा अमन अमान से गुजार सकें। जी बिल्कुल, उनका यही मैसेज है कि श्योरकोट की आवाम के लिए, अगर किसी को मुहर्रम के हवाले से कोई प्रॉब्लम आती है, मसले क्रिएट होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स मसला आना शुरू होते हैं, तो फौरन आप इंतजामिया से, डीएसपी साहब से, एसी साहब से, जो कंट्रोल रूम बने हैं उनमें रब्ता करें ताकि मुहर्रम के आयाम में बेहतर से बेहतर आपको हिफाजती और सिक्योरिटी इंतजाम मुहैया किए जा सकें। जी सिलवाली में भी